सभी को मेरा नमस्कार। आज हम कार्बोनिल कंपाउंड का अगला पार्ट देखेंगे, जो कि कार्बोनिल कंपाउंड्स में चौथा पार्ट है, पर रिएक्शंस जो हमने देखे हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स के, उसका सेकंड पार्ट है। तो जो हमने पिछले वीडियो में देखा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और उसके बाद हमने स्टडी किया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड इलिमिनेशन। इसके बाद हम देखेंगे रिडक्शन ऑक्सीडेशन जो रिमेनिंग है अदर देन द एडिशन एंड एलिमिनेशन। उसके अलावा हम आज बाकी रिएक्शन स्टडी करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली रिएक्शन जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटो। ओके, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटो, इसमें रिडक्शन हमें करना है, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन उसमें ऐड करेंगे, यानी हाइड्रोजन उसमें ऐड करेंगे, किसमें, एल्डिहाइड या कीटो में। तो लेट अस सी, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटो टू फॉर्म अल्कोहल एंड अल्की। क्या बनाना है हमें, रिड्यूस करके एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल और अल्केन बनाना है। कैसे होता है देखिए, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, मतलब हाइड्रोजन का एडिशन बाय यूजिंग द कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या क्या होते हैं, जो आपने अभी तक स्टडी किए, पैलेडियम, प्लैटिनम, निकेल, जो रानी निकेल बोला जाता है वो। तो देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर एसिटाइल्डिहाइड को हमने स्टडी के लिए लिया है, उसमें हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं बाय यूजिंग द प्लैटिनम। ओके, बाय यूजिंग प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट। ओके, एज अ कैटलिस्ट हम प्लैटिनम का यूज कर रहे हैं। तो इसका जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो मिलेगा इथेनॉल। इथेनॉल कैसे मिलेगा, कैसे ऐड होगा, उसको हम देखते हैं। तो इथेनॉल को ऐड होने के लिए ये जो H2 है, H2 को इस तरह से हम लिखेंगे। तो यहाँ पर आसानी से आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये H डायरेक्टली अटैच टू दिस, यानी ये OH बन जाएगा, और इधर CH3 CH2 OH, इस तरह से ये बन जाएगा। हाइड्रोजन का एडिशन होगा, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर अटैच होगा और दूसरा हाइड्रोजन कार्बन पर, यानी जो कार्बोनिल ग्रुप है उसी पर दोनों हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। दिस इज ऑल्सो एडिशन टाइप ऑफ रिएक्शन, बट ये रिडक्शन रिएक्शन में से काउंट किया जाए। रिडक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा, या सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो देखिए, ये जो हमारा रिएक्टेंट है यहाँ पर, क्या है ये, इथाइल मिथाइल कीटोन या 2-ब्यूटानोन। इसको जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन के लिए प्रोसीड करेंगे, सो वी विल गेट अ ब्यूटेन टू ओल, आइसो ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन टू ओल। तो इसमें कैसे होता है, सेम हाइड्रोजन कहाँ कहाँ ऐड होगा भाई, तो यहाँ एक हाइड्रोजन ऐड होगा और यहाँ एक हाइड्रोजन कार्बन पर। ओके, तो ये एक हाइड्रोजन यहाँ पर OH बना देगा, और ये, उसी तरह से जिस तरह से हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया है, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड को भी हम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सेम अगर हम रिएक्टेड यूज करते हैं ब्यूटेनोन को, तो हमें मिलेगा सेम प्रोडक्ट, दैट इज ब्यूटेन टू ऑल या 2-ब्यूटेनॉल, सेम एडिशन। एक हाइड्रोजन हमारा ऑक्सीजन पर अटैच होगा और एक हाइड्रोजन हमारा कार्बन पर अटैच। क्लेमेंसन्स रिडक्शन, कार्बोनिल ग्रुप एंड कन्वर्टेड टू CH2। क्लेमेंसन्स रिडक्शन, देखिए क्लेमेंसन्स रिडक्शन में क्या होता है, अब ये जो CO ग्रुप है इसका कन्वर्जन CH2 में होता है और हमें मिलेगा अल्केन। अब ये CO का CH2 हो जाएगा तो अल्केन नहीं मिलेगा। तो इसके लिए जो साइंटिस्ट क्लेमेंसन्स ने क्या किया था, जिंक अमालगम, यानी जड़ियन HG और HCl का यूज किया, जिसकी वजह से CO गेट कन्वर्टेड टू CH2। ओके, यानी यहाँ पर H2 और यहाँ पर भी एक H2 ऐड होता है, दो मॉलिक्यूल H2 ऐड होंगे, या एज H2O रिमूव हो जाएगा और यू विल गेट द प्रोडक्ट एज अ पेंटेन, दैट इज द अल्की। यानी हम दोनों तरीके से इसको बना सकते हैं। अगर आप नॉर्मल रिडक्शन एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, जैसे प्लेटिनम पैलेडियम में निकेल, तो यू विल गेट द इथेनॉल, यानी अल्कोहल आपको मिलेगा। अगर आप कीटोन यूज कर रहे हैं एज अ रिएक्टेंट और उसको प्रोसीड कर रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड,
या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो आपको मिलेगा इथेनॉल, सॉरी अल्कोहल, जैसे कि यहाँ पर है ब्यूटेनॉल। बगैर आप अगर जिंक अमालगम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जड़ एनर्जी एचसीएल यूज कर रहे, तो आपको मिलेगा अल्केन। ओके, तो यहाँ पर आपको मिलेगा अल्केन। ओके, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटो। नेक्स्ट जो हम देखेंगे, ये तो रिडक्शन हो गया, अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के लिए हमें जो जरूरत है, ओके, तो उसके लिए वी नीड द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ओके, सॉरी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए उसमें क्या होता है, undergoes oxidation in presence of sodium dichromate or potassium dichromate. Okay, for the oxidation reaction we need the compound that is aldehyde or ketone which undergo oxidation by the sodium dichromate to form carboxylic acid. Yani aldehyde agar oxidation ke liye proceed hota hai to hame kya milega, acid, okay, carboxylic acid. और कीटोन्स अगर होंगे तो कीटोन भी हमें क्या देंगे, सेम एसिड ही देंगे। दिस इज द डिफरेंशिएशन। सिर्फ सेकेंडरी से, जैसे अल्कोहल में हमने देखा था कि प्राइमरी अल्कोहल अगर ऑक्सीडेशन के लिए प्रोसीड होते हैं तो हमें एल्डिहाइड मिलता है, और सेकेंडरी अल्कोहल प्रोसीड होते हैं तो हमें कीटोन मिलता है। तो कीटोन ऑल्सो प्रोड्यूस द सेम, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, और एल्डिहाइड भी प्रोसीड होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखते हैं हम पहले एल्डिहाइड फिर कीटोन का। तो सबसे पहले हम देखेंगे अल्डिहाइड, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है एसिटाल्डिहाइड, जिसको हम प्रोसीड करेंगे सोडियम डाइक्रोमेट के लिए। ओके, जस्ट यहाँ पर जो टाइपिंग एरर है ये ऑक्सीजन, ओके, ना कि H2, ओके, जस्ट एडिशन ऑफ O, कहाँ पर ऐड होगा वो, तो ये O ऐड होगा यहाँ, दिस इज द ऑक्सीडेशन, दैट इज द। तो हमें क्या मिलेगा फिर एसिटाल्डिहाइड से, एसिटाल्डिहाइड से हमें मिलेगा एसिटिक एसिड। अब अगर हम कीटोन को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हमने लिया है 2-butanone HNO3, ओके, एसिड का प्रेजेंस और सोडियम डाइक्रोमेट अगर हम देखें तो हमें प्रोपियोनिक एसिड मिलेगा। ब्यूटेनॉन से प्रोपियोनिक एसिड और एसिटिक एसिड, तो ये जो है ये चेंज होता है अगर HNO3 आप यूज करें। अगर आप सेम प्रोसीड करेंगे तो आपको यहाँ पर COOH मिलेगा, एक कार्बन आइटम कम मिलेगा, ये एज ए CO2 रिप्लेस हो जाएगा, कौन सा, ये वाला, और आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ओके, दिस इज द सेम केस, एल्डिहाइड में कोई कार्बन आइटम लेस नहीं होगा बट इसमें लेस हो जाएगा। ओके, तो हमें मिलेगा प्रोपियोनिक एसिड और बाय प्रोडक्ट में एसिटिक एसिड। अगली रिएक्शन है हमारी अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन के लिए द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन विद अ डाइल्यूट बेस और एसिड टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोन। बीटा हाइड्रोक्सी मतलब ये कार्बोनिल ग्रुप के बाद ये अल्फा और यह इसके बाद का बीटा हाइड्रोक्सी, जैसे कि यहाँ पर ये अल्फा और ये बीटा, यानी थर्ड कार्बन। ओके, तो बीटा ग्रुप पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा प्रोडक्ट पर, इसलिए बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा अल्डोल। ओके, अल aldehyde और ओएल, aldehyde का ये aldehyde ald और ओएल इस अल्कोहल का, इसलिए aldol, aldol, that is aldehyde and अल्कोहल ग्रुप दोनों एक साथ, इसलिए इसे aldol कंडेंसेशन कहा गया है, जिसमें कि आपको एसिड या बेस, डाइल्यूट एसिड या बेस के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे किसकी, aldehyde की, तो हमें मिलेगा aldol, जस्ट OH इज एडिशन की, OH ऐड हो जाएगा कहाँ पर, बीटा कार्बन, ओके, बीटा कार्बन, जैसे कि यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं के साथ में बेस और एसिड, दोनों में से एक लेना है, सो वी विल गेट हियर द प्रोडक्ट, इसमें क्या हुआ, बीटा पोजीशन पर आपका ओएच का एडिशन हो गया। ओके, नेक्स्ट
इसी का हम मैकेनिज्म देखने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर एसीटाल्डिहाइड को लिया गया है CH3CH2, तो अगर हम बेस कैटालाइज लेंगे तो OH अटैक करेगा कहाँ पर, आपके CH पर, OH विल अटैक ऑन दिस ओके एंड अटैचेस टू द CH3CH OH, यानी जो हमारा सेकेंड कार्बन है ओके। सेकेंड कार्बन मीन्स CH3। अब यहाँ पर जो है OH किस तरह से ऐड हो रहा है, एक रिएक्शन को स्टार्ट जब NaOH के साथ हो रही है तो इस तरह से 3-hydroxybutanol एसिटाइल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स रहेंगे CH3CHO और ये CH2CH ओके। तो ये बन जाएगा हमारा 3-hydroxybutanol। उसके बाद हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, ये एसिटाइल्डिहाइड जो है इधर भी फॉर्म करेगा आपका नेगेटिव आयन, किस तरह से H निकले, डबल बॉन्डेड O यानी CHO से डबल बॉन्ड O, एक हाइड्रोजन जाने की वजह से CH2, ये और ये मिलकर ये बॉन्ड आएंगे। तो अब जो ये CH3CH2O कार्बेनियन बना है उसके साथ CH3CHO एसिटाइल्डिहाइड अटैच होगा और फॉर्म क्या करेगा यहाँ पर, दिस प्रोडक्ट, यानी ऑक्सीजन पर चार्ज शिफ्ट हो जाएगा जो कि वाटर के साथ अटैच होगा, H प्रोटॉन ले लेगा और हमें मिलेगा 3-hydroxybutanol। एक तो डायरेक्टली बन जाएगा इधर से या फिर इधर से, दोनों में से एक हो जाएगा और वी विल गेट द 3-hydroxybutanol हमें प्रोडक्ट दोनों मेथड्स, यानी यहाँ पर जो है एसिड या बेस कैटालाइज बोथ द रिएक्शंस इन अ सेम हमने बताने की कोशिश की। नेक्स्ट, अब अगर डाइल्यूट NaOH का हम देखेंगे तो अभी डाइल्यूट NaOH में CH3CO एक कीटोन ग्रुप है ओके, कीटोन ग्रुप पर अगर OH अटैक हो रहा है, OH अटैक होगा और यहाँ से एक प्रोटॉन अपनी तरफ ले लेगा और H2O निकल जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा फिर CH3COCH ये प्रोडक्ट मिलेगा ओके। यहाँ का प्रोटॉन जाने की वजह से, एक प्रोटॉन इसके साथ जाने की वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा कार्बन पर, क्योंकि हाइड्रोजन जाते हैं इलेक्ट्रॉन छोड़ कर जाता है ओके। दैट विल रिएक्ट विद अनादर कीटोन मॉलिक्यूल ओके। अब ये निगेटिव है, ये कार्बन पॉजिटिव रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर खींचे जाते हैं, ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा रुझान रहता है इसकी वजह से ओके। तो अब ये बन जाएगा इस तरह से ओके, डायरेक्टली कार्बन पर अटैच हो गया ओके, CH3CO CH2 CO CH3CH। अब ये है ओ निगेटिव, निगेटिव है क्योंकि यहाँ का डबल बॉन्ड इसने अपनी तरफ ले लिया इसकी वजह से निगेटिव। तो फिर ये क्या करेगा, वाटर से एक प्रोटॉन अपनी तरफ ले लेगा H और बनाएगा हाइड्रोक्सी बीटा पोजीशन ओके, दिस विल फॉर्म्स ओके, दिस विल बी द मैकेनिज्म ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट, क्रॉस द अल्डोल कंडेंसेशन, आई थिंक सभी ने चैनल को सब्सक्राइब किया ही है, तो मीनवाइल ब्रेक लेने तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर। So let us start with the cross aldol condensation. If you react two aldehyde and or ketones together in an aldol condensation, you will get a four products. Okay. However, if one of reactant does not have any alpha hydrogens, it can be condensed with another compound that does have alpha hydrogen atoms, give only one ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, दैट इज क्रॉस्ड। अभी तक हमने जो प्रोडक्ट्स देखे रिएक्टेंट के लिए यूज किए एल्डोल कंडेंसेशन में, तो वहां पे एक कंडीशन है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए दोनों रिएक्ट, बट क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन में एक कंपाउंड जो दो मॉलिक्यूल है एल्डिहाइड के या दो मॉलिक्यूल कीटोन के, उसमें से एक पर अल्फा हाइड्रोजन होगा और एक पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा ओके। तो लेट अस सी, ये जो है इसके ऊपर अल्फा हाइड्रोजन है, ये जो है इसके ऊपर अल्फा हाइड्रोजन नहीं ओके। सो दैट्स व्हाई इट विल फॉर्म द ओनली वन प्रोडक्ट, दैट इज द CHO, यहां पर आ गया CH और ये CH2 ओके, डायरेक्टली अटैच, दिस इज द सिंबल। तो इसके लिए क्रॉस द एल्डिहाइड कंडेंसेशन कैन बी बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी एक एल्डिहाइड और एक कीटोन है तो भी ये क्रॉस द एल्डिहाइड कंडेंसेशन कहा जाता है। इसमें जो है an enolate carbanion form ketone and adds to more reactive aldehyde, aldehyde more reactive है
तो एक कीटोन में ऐड हो जाती है, यह है एसिटोफिनोल और आपका अल्डी। डाइल्यूट बेस जब लेंगे, डाइल्यूट बेस लेंगे तो ये बन जाएगा और ये सेम प्रोडक्ट दैट इज द बीटा हाइड्रोक्सी। नेक्स्ट है परकिन कंडेंसेशन। ओके, परकिन कंडेंसेशन के लिए बेंजाल्डिहाइड रिएक्ट विथ, ओके, बेंजाल्डिहाइड विल रिएक्ट विथ बेंजाल्डिहाइड के साथ जब एसिटिक एनहाइड्राइड के हम रिएक्शन करेंगे, रिएक्ट विद एसिडिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिडेट टू फॉर्म सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड हमें बनाना है, किसका इस्तेमाल कर, बेंजाल्डिहाइड और एसिडिक एसिड। तो बेंजाल्डिहाइड तो यहाँ पर है, ये बेंजाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, इसकी रिएक्शन जब हम करेंगे एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ, सो हमें क्या मिलेगा फिर यहाँ पर, ये वाला प्रोडक्ट। ये जो है इसका हमने इस तरह से रिएक्शन देखा है, सी एच थ्री सी ओ ट्वाइस, सी एच थ्री सी ओ ट्वाइस उसका आयनिक फॉर्म है। तो ये नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, क्योंकि इधर नेगेटिव आएगा ऑक्सीजन पर, दैट्स व्हाई। सो ये बन गया इस तरह से सी एच ओ एच सी एच टू सी ओ, ये प्रोडक्ट यहाँ पर आ गया, जस्ट एडिशन, ये यहाँ पर अटैच हो। ओके, सो देन इस प्रोडक्ट को जो OH कीटो इनॉल, OH का कन्वर्जन क्या हो जाएगा ये बॉन्ड इंटरशिप दोनों के बीच। ओके, या समझने के लिए आसान आपको बता दूं कि ये H यहाँ से और ये H2 यहाँ से ये निकल गया H2, इसी वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, जो OH था वो निकल गया और यहाँ पर डबल। फिर इसका हाइड्रोलिसिस जब हम करेंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ अनहाइड्राइड यानी इसको निकाल देना है, इधर का जो पोर्शन है इतना अगर हम पोर्शन निकाल देंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ये पोर्शन हाइड्रोलिसिस जब करेंगे इसका यानी इसमें वाटर का एडिशन हो जाएगा, एच ये बन जाएगा आपका सी एच थ्री सी ओ एच और ये बन गया आपका सिनेमिक एसिड का स्ट्रक्चर जो यहाँ। सिनेमिक एसिड मीन्स द अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड। बेंजोइन कंडेंसेशन, अब ये बेंजोइन कंडेंसेशन जो है इसके कपलिंग रिएक्शन के तौर पे भी इसे समझा जाता है, जो कि दो अल्डिहाइड के बीच होता है। ओके, जिसकी वजह से अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है। देखिए अब दो बेंजाल्डिहाइड यूज कर हम एक कीटोन बना रहे हैं, ओके, जो कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, किस तरह से देखिए अब ये बेंजाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, ऐसे दो मॉलिक्यूल, इसका मिरर इमेज ही यहाँ पर कंसीडर कीजिए, इसके अपोजिट साइड में है, इधर भी एक कार्बन हाइड्रोजन और ये डबल ओ और ये आपका फिनाइल इधर है। ओके, पोटेशियम साइनाइड और इथेनॉल के प्रेजेंस में सो यू विल गेट यहाँ क्या होगा, फिर इस डबल बॉन्ड की जगह ये सी एच तो एज इट इज रहेगा, सिर्फ यहाँ से जो है ये ओ एच निकल कर इस पर अटैच हो जाएगा, बॉन्ड विल बी शिफ्ट, यानी डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड बनेगा ये कार्बन, इस तरह से यहाँ का एच जो था और यहाँ कार्बन, अभी डबल बॉन्ड की जगह ये इधर शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड इधर बन गया, इट्स अ सिंपल वे। और ये जो इधर का डबल बॉन्ड था वो यहाँ पर आ गया, जिसको हम बोलते हैं बेंजोइन, दिस इज द बेंजोइन जो कि बेंजिलिक एसिड या बेंजिल के सिंथेसिस में इसे यूज करते हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का कन्वर्जन कन्वर्जन होता है जिसमें दो अल्डिहाइड यूज करते हैं, यानी अल्डिहाइड का इस्तेमाल कर हम कीटोन बनाते हैं, जो कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। बेंजोइन कंडेंसेशन का मैकेनिज्म है ये। अब यहाँ पर समझने के लिए आसान, पहले तो हम देख लेते हैं कि ये है हमारा बेंजाल्डिहाइड, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ले लेगा, खुद नेगेटिव बन जाएगा और साइनाइड विल अटैक ऑन द कार्बन, तो साइनाइड इस पर अटैक कर, फिर उसके बाद इसकी एच टू के साथ रिएक्शन होगी तो ये बन जाएगा ओ एच सी एच यानी ओ एच का एडिशन। उसके बाद वापिस से एक ओ एच क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन ले लेगा,
जिसकी वजह से यहाँ पर निगेटिव चार्ज आएगा और रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे। इस तरह के तीन रेजोनेंस स्ट्रक्चर रहेंगे जिसकी वजह से इसका स्टेबिलिटी ज्यादा रहे। फिर जो निगेटिव चार्ज है यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर हमारा दूसरा वाला बेंजाल्डिहाइड का मोलिक्यूल अटैक अटैक होने की वजह से ये CN और ये ऑक्सीजन नेगेटिव बन गया सेकंड वाले। ओके दैट विल एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्म द OH। ओके उसके बाद फिर जो है इस तरह से यानी CN निकल जाएगा और ये इधर यानी यहाँ से H और यहाँ से CN हाइड्रोजन साइनाइड बाहर निकलेगा दैट विल फॉर्म द बेंजोइक स्ट्रक्चर। अब इसको समझने के लिए कैसे हो गया, ये OH पर दूसरा हाइड्रोजन यानी OH में से प्रोटॉन निकल जाए, कैसे निकलेगा क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन यूज किया था वाटर मॉलिक्यूल का। ओके तो बचा क्या OH, OH क्या करेगा सेकंड स्टेप में यहाँ से प्रोटॉन लेकर वाटर बन जाएगा। ओके वाटर बन गया तो यहाँ पर क्या होगा निगेटिव चार्ज, फिर ये निगेटिव चार्ज स्टेबिलाइज होने के लिए चार्ज इधर शिफ्ट करेगा सो ये बन जाएगा CN, साइनाइड निकल जाएगा जो फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट होकर हाइड्रोजन साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड बना, और ये इधर आने की वजह से यू विल गेट योर फाइनल प्रोडक्ट एज अ बेंजोइन। नेक्स्ट है कैनिजेरो रिएक्शन। कैनिजेरो रिएक्शन को समझने के लिए अल्डिहाइड की जो रिएक्शन है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस के साथ करते हैं तो हमें मिलता है अल्कोहल। ओके एंड सोडियम साल्ट ऑफ एस दो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं। समझने के लिए दो बेंजाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल लिए हैं बेस की प्रेजेंस में तो हमें एक मिला बेंजाइल अल्कोहल और दूसरा मिला सोडियम बेंजोइट। ओके तो फॉर्मल्डिहाइड अगर हम यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर प्रोडक्ट में मिथाइल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट, दो मॉलिक्यूल यूज किए दोनों मॉलिक्यूल। अगर हम यहाँ पर एसीटोन अल्डिहाइड यूज कर रहे हैं तो उसका भी हमें सेम अल्कोहल और नेक्स्ट कैनिजर और रिएक्शन का मैकेनिज्म ये है अल्डिहाइड OH के प्रेजेंस में आने की वजह से OH ऐड हो जाएगा सिंपली, ये तो मैकेनिज्म हमने देखा ही है। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है क्योंकि ये OH यहाँ पर ऐड होगा, ये नेगेटिव इधर जाएगा फिर यहाँ पर वो पॉजिटिव आएगा उसके ऊपर OH नेगेटिव अटैच होगा दैट्स फिर इस OH का अब ये जो है दूसरा हमारा बेंजाल्डिहाइड या एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल जो है प्रोटॉन इधर शिफ्ट करेगा। ओके CH3 CO तो ये बन गया, फिर क्या होगा ये सिंपल समझने के लिए इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे इसकी वजह से प्रोटॉन निकल जाएगा, प्रोटॉन के अटैच होंगे क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव है ये पार्शियल नेगेटिव है सो दिस विल फॉर्म द CHOH डबल बॉन्ड। फिर दोनों की रिएक्शन में से क्या होगा ये प्रोटॉन इधर निकल जाएगा। ओके CH3 बन गया हमारा मिथेनॉल। ओके फिर जो बचा वो ये नेगेटिव आ गया क्योंकि ऐसे प्रोटॉन चला गया है, ये मिथॉक्सी है, मिथॉक्सी का पावर आपके ऑक्सीजन से ज्यादा रहेगा इसीलिए तो यहाँ पर जो है नेगेटिव आ गया ऑक्सीजन पे तो दैट विल गो विद द सोडियम, OH ऑलरेडी हो चुका है तो यहाँ पर बचा हुआ सोडियम विल अटैच ऑन दिस एंड फॉर्म्स द सोडियम साल्ट CH3 CO। दिस इज ऑल अबाउट द कैनिजेरो रिएक्शन। क्रॉस द कैनिजेरो रिएक्शन व्हेन द रिएक्शन मिक्सचर फॉर्मल्डिहाइड एंड नॉन इनोलाइजेबल अल्डिहाइड यानी जिसका इनोल फॉर्मेशन नहीं होता ऐसा आर ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म अल्कोहल एंड फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रॉस्ड कैनिजेरो रिएक्शन। ये है बेंजाल्डिहाइड, इसके बाद है फॉर्मल्डिहाइड ट्रीटेड विद स्ट्रॉन्ग बेस, यह बेंजाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर। अभी बेंजाल्डिहाइड की रिएक्शन जब हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ करेंगे, फॉर्मल्डिहाइड नॉन इनोलाइजेबल है, ओके तो उसकी रिएक्शन कैसे होगी देखिए। तो ये इसके लिए जरूरत है हमें बेस की, तो ये बन जाएगा बेंजील अल्कोहल। किस तरह से देखिए,
पे सी ए सी सी हो तो ये एच यहाँ पर चले गया और ये के एच यहाँ और एच सी ओ ओ एच। समझने के लिए आसान, जो एन ए ओ एच यहाँ से एच एच जो जा रहा है तो इसका जो है ये एच चला गया तो इसकी जगह ओ एच सोडियम। इस तरह से ये बन जाएगा। ओके, दिस विल बी अबाउट द बेंजाइल अल्कोहल जिसकी वजह से हमें क्रॉस द कैनेथरो रिएक्शन रिफॉर्मर्स की रिएक्शन। अल्किल हैलाइड अंडरगो रिडक्शन विद नेसेंट हाइड्रोजन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक जिंक अमलगम टू फॉर्म अल्केन्स। जो हमने पहले रिएक्शन देखी वैसी ही, इसमें क्या यूज होता है, इसमें अल्डिहाइड और ये ब्रोमीन साल्ट ऑफ एसिड। ओके, इसका हम यूज करते हैं, इसका यूज इसलिए कि नेसेंट हाइड्रोजन हमें चाहिए। ओके, तो इट विल फॉर्म्स द अल्केन्स। इस तरह से देखिए जिंक और बेंजीन की जब हम रिएक्शन करेंगे तो रिफॉर्मर्स की में ये है आपका आर सी एच एल्डिहाइड और ये है सी एच ब्रोमीन यानी सी एच टू सी ओ आर। दिस इज ऑल अबाउट द रिफॉर्मर्स के रिएक्शन। इसको ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में डिस्क्राइब भी किया है तो वो मैं आपको यहाँ पर लिंक दे दूंगा, तो उसमें ज्यादा डिस्क्रिप्शन है, इसलिए सिर्फ यहाँ पर रिएक्शन मैंने आपको समझाई। आई विल एक्सप्लेन द थिंग्स एंड आई विल शेयर द लिंक। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एट कीटोन्स। तो क्या क्या आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, DNP टेस्ट, डायनाइट्रो फिनॉल टेस्ट, डायनाइट्रो सॉल्यूशन फिनाइल जब आप बनाएंगे तो फिनाइल हाइड्राजिन में 5 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और फिर रेड और ऑरेंज पीपीटी मिलेंगे जिसके ऊपर से आपको पता चलेगा कि गिवन सैंपल इज एल्डिहाइड। अगर रेड या ऑरेंज पीपीटी आ रहे तो वो कीटो, मतलब कार्बोनिल ग्रुप के लिए रेड पीपीटी आना जरूरी है जब आप डायनाइट्रो फिनॉल के साथ इसकी टेस्ट करें। अगर टॉलरेंस रिएजेंट्स के साथ, टॉलरेंस टेस्ट कैसे करके 1 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट ये 10 ml वाटर, ये है टॉलरेंस रिएजेंट सॉल्यूशन ये और सॉल्यूशन बी रहेगा इसका 1 ग्राम NaOH इन 10 ml ऑफ वाटर। व्हेन द रिएजेंट इज रिक्वायर्ड मिक्स इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 1 ml फ्रॉम सॉल्यूशन ए एंड बी इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब एंड डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप अंटिल द सिल्वर ऑक्साइड इज जस्ट डिसॉल्व। तो इसके साथ जब आप सिल्वर टॉलरेंस टेस्ट करेंगे तो टॉलरेंस टेस्ट का अगर ऑब्जर्वेशन में रेड प्रिसिपिटेट आता है सैंपल को हीट करने पर तो इसका मतलब वो एल्डिहाइड है, और हीट करने पर सेम यानी रेड पीपीटी आते हैं तो एल्डिहाइड या कीटोन से। फेलिंग टेस्ट अगर आप करते हैं तो फेलिंग टेस्ट का रिजल्ट अगर रेड प्रिसिपिटेट आता है तो आप समझ जाना कि वो कार्बोनिल कंपाउंड है। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में अगर रेड कलर आया तो कीटोन है और नहीं आया तो एल्डिहाइड। यूजेस okay, हम देखते हैं अब कुछ एल्डिहाइड और कीटोन्स के। फार्मा अल्डिहाइड, फार्मा अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग गैस है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स इन ऑटोमोबाइल फॉर लाइट मटेरियल एंड ड्यूरेबल कंपाउंड्स। इसमें ज्यादा यूज होता है इसका, मेटालिक गैस सॉरी स्मॉल स्मेलिंग गैस है स्ट्रॉन्ग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इसका ज्यादा यूज होता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी इसको यूज किया जाता है। प्यारा अल्डिहाइड एंटी कन्वर्जेंट अल्कोहलिज्म हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव, इसमें इसका यूज होता है प्यारा अल्डिहाइड का। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसकी भी लिंक मैं आपको शेयर करूँगा। नेक्स्ट है एसीटोन। एसीटोन में जो है सॉल्वेंट क्लीनिंग बोलकर यूज होता है, सॉल्वेंट बोलकर इसका ज्यादा यूज होता है, क्लीनिंग टूल है, पॉलिस्टर का रेजिन बोलकर भी इसको यूज किया जाता है, वोलेटाइल कंपोनेंट है फॉर पेंट्स एंड वर्निश, इसमें यूज किया जाता है ताकि पेंट और वर्निशेस जो है वो जल्दी सूख जाए। बेंजाल्डिहाइड फ्लेवरिंग एजेंट है, प्रिपरेशन सिनेमिक एसिड बेंजाइन फॉर थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह इसका यूज किया जाता है, सिनेमाल्डिहाइड है, मैंडेलिक एसिड में भी इसका यूज किया जाता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लोराल हाइड्रेट सेडेटिव हिप्नोटिक्स बोलकर यूज होता है। ओके, और इसका जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर दिया हुआ है,
हेक्सामाइड, हेक्सामाइड इन प्रिपरेशन ऑफ फिनोलिक रेजिन में इसका इस्तेमाल करते हैं, बाइंडर बोलकर भी यूज होता है। उसके बाद ब्रेक और लाइनिंग जो होते हैं हमारे ब्रेक्स के, उसमें इसका ज्यादा यूज होता है। एब्रेज, जहां पर घर्षण वाले प्रोडक्ट्स होते हैं वहां पर इसका ज्यादा यूज होता है। ओके, उसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर है ये एग्जाम। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सिनेमा अल्डिहाइड। तो सिनेमा अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर यहाँ पर है, इसको ज्यादातर परफ्यूम इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, नेचुरल स्वीट फ्लेवरिंग च्यूइंग गम के तौर पर, आइसक्रीम में भी इसका यूज होता है, कैंडी एंड ब्यूवरेजेस इन ब्यूवरेज इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। माइस एजेंट यानी प्रोटेक्ट माइस अगेंस्ट ओबेसिटी, इसमें भी इसका यूज देखा गया है। ओके, यानी चूहों के ऊपर जब इस्तेमाल किया गया तो ओबेसिटी के अगेंस्ट इसने काम किया था। वैनिलीन, इसका एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया, उसकी लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। फूड फ्लेवरिंग इट आल्सो, फूड फ्लेवरिंग एजेंट यानी वैनिला आइसक्रीम जो आप देखते हैं उसमें ये फूड का फ्लेवरिंग बोलकर यूज होता है। प्रोडक्ट के क्लींजिंग के लिए यूज होता है, टोबैको टूथपेस्ट में भी इसका यूज किया जाता है। जहां पर भी आपको वैनिला फ्लेवर मिलेगा दैट्स मीन्स इट कंटेन्स द वैनिलीन। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द अल्डिहाइड एंड कीटोन एंड कार्बोनिल कंपाउंड्स। यहाँ पर हम कार्बोनिल कंपाउंड्स को कंक्लूड करते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मुझे नहीं समझ में आया, पर्टिकुलर रिएक्शन यू हैव टू रिपीट, सो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट वन। सो वंस अगेन आई विल से दैट सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।